पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेला जबलपुर विधायक कप प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का हुआ भव्य शुभारंभ। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए आयोजक यंग स्टार क्लब बरेला ने बताया कि बरेला नगर में विधायक कप प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का आयोजन बजरंग बॉल बिहार ग्राउंड बरेला में किया गया, जिसका शुभारंभ हर्ष तिवारी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुख्य आतिथ्य एवं नगर परिषद बरेला अध्यक्ष प्रतीक दुबे के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत आयोजक यंग स्टार क्लब के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर किया। तत्पश्चात विधायक कप प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रथम टूर्नामेंट की टीमों का हौसला बुलंद कर विधायक कप का शुभारंभ किया। विधायक कप प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट के शुभारंभ अवसर पर थाना प्रभारी बरेला के अनिल पटेल एवं नगर परिषद बरेला के समस्त पार्षदगण उपस्थित रहे एवं हजारों की तादाद में दर्शक उपस्थित रहे। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। आज विधायक कप बरेला का शुभारंभ होने जा रहा है। आज जो यहाँ पे आके भव्यता दिखाई दी है, यंग स्टार क्लब को बधाई देता हूँ, सफल हुई है और निश्चित ही ये भव्य आयोजन है। और मैं हमारे बरेला नगर पंचायत के अध्यक्ष दुबे जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। उनका काफ़ी लगाव सहयोग रहा है इस पूरे कार्यक्रम के पीछे और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्तागण, युवा साथियों, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। सबकी मेहनत से ये सफल आयोजन होने वाला है और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक बार एक विजुअल दिखाई है, अलग ही भव्यता दिख रही है और ये पहला साल है यहाँ पे ऐसा आयोजन हो रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में और भी बेहतर जो कमी आएंगी, आने वाले समय में और बेहतर होंगे आयोजन, और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ।